देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,00,000 को पार कर गया है। कोरोना के नए मरीज रोजाना मिल रहे हैं और इसे देखते हुए मोदी सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बार लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक बढ़ाया गया है। इस बीच लॉकडाउन में सेवाओं और उत्पादों में क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे, इसे लेकर यूपी सरकार ने अहम फैसला किया है। सोमवार देर रात इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन 4 को लेकर गृह मंत्रालय यूपी सरकार के आदेश को जारी किया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या खुलने की अनुमति यूपी सरकार ने दे दी है। गाजीपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में ये आदेश प्रभावी हो गया है। प्रदेश सरकार ने सभी बाजारों को खोलने का आदेश दिया है, लेकिन इन्हें ऐसे खोला जाएगा कि हर दिन अलग अलग बाजार खुलें। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्देशों का पालन होगा। जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ मिल व्यवस्था बनाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर पालिका क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सारे दुकानदारों को फेस कवर या मास्क लगाना होगा। उन्हें ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर रखना होगा। अगर खरीदार ने मास्क नहीं लगाया है तो उसे सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। मुख्य सब्जी मंडी को सुबह 4 से 7 बजे तक खोला जाएगा। फुटकर बिक्री के लिए सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक व फल मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खोला जाएगा। रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। यहां बैठ के खाने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। ऐसी ही मिठाई की दुकान के साथ भी है। ये दुकानें खुलेंगी, लेकिन केवल बिक्री के लिए। यहां बैठ मिठाई खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर खोले जाने का आदेश मिल गया है, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बारात घर में 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं मिलेगी। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन के लिए खोलने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेनी होगी और सारे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। पूरे प्रदेश में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। अगर परिवार में बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी। अगर पीछे महिला बैठी है तो इसकी इजाजत होगी। बाइक सवार सभी को हेलमेट अनिवार्य होगा। 3 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को चलने की अनुमति होगी। गाड़ियों में सारे यात्रियों को मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। नोएडा गाजियाबाद के NCR क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके विस्तृत आदेश संबंधित जिला प्रशासन जारी करेगा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।